स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैकेर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा सीबी हॉर्नेट 2.0 का फाइनेंस डिटेल्स। जी हां दोस्तों, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझें दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों फाइनेंस में यदि आप लोग हॉर्नेट 2.0 को लेना चाहते हैं, इस स्पोर्ट बाइक को फाइनेंस में लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है भाई। फाइनेंस में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है और कितना आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, मिनिमम डाउन पेमेंट आपको यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, बाइक का प्राइस क्या है, और एक साल से लेकर यहाँ पे दोस्तों 3 साल तक का किस्त का स्कीम बताया है। एक साल का यदि आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो कितना आपको ईएमआई लगेगा और कितना परसेंट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा आपको यहाँ पे कितना लगेगा एक साल में, यानी सूद आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा जो बाइक का प्राइस है उससे अलग, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। और 2 साल का कराएंगे तभी आप समझ जाएंगे कि ये भाई की एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है, 3 साल का कराएंगे तभी आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक के प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1,60,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे दुमका झारखंड में। ये वीडियो दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ माँ भालसमर होंडा ब्लॉक रोड रामगढ़ दुमका झारखंड, ठीक है। यदि आप लोग रामगढ़ एरिया से बिलोंग करते हैं, दुमका जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो शोरूम में आकर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बाइक के प्राइस के बारे में, उसके बाद आप समझेंगे कि भाई फाइनेंस डिटेल्स। तो बाइक का प्राइस दोस्तों हमारे यहाँ दुमका झारखंड में 1,60,000 अप्रोक्स ऑन रोड शोरूम प्राइस है। बाकी दोस्तों हर एक स्टेट एंड सिटी में थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है, तो यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्योंकि हर जगह का आरटीओ और इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है, तो जिसके कारण दोस्तों प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये डाउन पेमेंट के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि भाई फाइनेंस करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे नीड पड़ती है। फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। सेकंड में आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सभी के पास सभी के टाइम में आधार कार्ड होते हैं लेकिन पैन कार्ड किसी के पास नहीं होता है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो जल्दी से आप लोग अप्लाई करें और बनवा लें। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड लाएं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। दो यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लगता है, ठीक है। और थर्ड में दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक पासबुक लगेगा। यदि आपका खाता खुला हुआ है तो बैंक पासबुक लगेगा। अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे शोरूम वाले खाता खोल के दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डाउन पेमेंट के बारे में कि फर्स्ट में आपको जमा कितना करना पड़ेगा, कम से कम यहाँ पे आपको जमा कितना करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि बाइक का प्राइस है 1,60,000 रुपया, तो मिनिमम डाउन पेमेंट दोस्तों यहाँ पे आपको 50,000, जी हाँ दोस्तों 50,000 यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनेंस हो जाएगा आराम से। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस 1,60,000 है, आपने जमा किया, एक साल का पहले बताते हैं, फिर 2 साल का बताएंगे, फिर 3 साल का बताएंगे, ठीक है। तो बाइक का प्राइस है 1,60,000, आपने जमा किया दोस्तों यहाँ पे 50,000, बचा हुआ जो अमाउंट रह गया दोस्तों वो रह गया 1,10,000। अब जाहिर सी बात है कि 1,60,000 में माइनस करेंगे 50,000 को तो बच जाएगा इधर 1,10,000। अब दोस्तों यहाँ पे 1,10,000 का फाइनेंस होगा। देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है प्रोसेसिंग चार्ज। तो 1,10,000 का आपको फाइनेंस करके कंपनी देगी तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी लेगी। जी हाँ दोस्तों, 3,000 रुपया यहाँ पे आपको कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, लगभग सभी कंपनी यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप 3,000 को प्लस करना है, कितना से 1,10,000 प्लस 3,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,13,000। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाता है, 1,13,000 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 1,13,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, सूद निकालना है, ब्याज निकालना है। बल्कि आसान शब्द में मैं आपको कहूँ, जो कि कंपनी लेती है, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं अपने भाषा में और ब्याज बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1,13,000 के यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना है, वैसे दोस्तों हमने देखा है लगभग सभी कंपनी में 7% से लेकर 14-15% तक कंपनी इंटरेस्ट ले लेती है, लेकिन अभी फेस्टिवल का टाइम है, मीडियम इंटरेस्ट चल रहा है, अभी 10% इंटरेस्ट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी 10% कहीं पे इंटरेस्ट चल रहा है, कहीं पे 11%, और नॉर्मल बाइक लेते हैं तो 7%, 8%, 6% इस प्रकार से कंपनी अभी इंटरेस्ट ले रही है। जैसे कि दोस्तों शाइन 100 लेते हैं, 100 CC की बाइक लेते हैं, तो उसमें आपको दोस्तों इंटरेस्ट 6% अभी फ़िलहाल चल रहा है हमारे यहाँ अपने शोरूम में, ठीक है। बाकी दोस्तों अलग अलग जगह में अलग अलग मतलब तरीके से मतलब कंपनी इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना चल रहा है दोस्तों अभी फ़िलहाल नॉर्मल बाइक में,
6% और स्पोर्ट बाइक में 10%। ये जो हॉर्नेट बाइक है दोस्तों, इस बाइक को हम बात कर रहे हैं, इस बाइक में दोस्तों अभी फिलहाल 10% इंटरेस्ट चल रहा है, यानी 10% इंटरेस्ट चल रहा है। तो 10% दोस्तों हमने इस वीडियो में लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो और हमको भी समझाने में आसानी हो। तो दोस्तों 1,13,000 का आप इंटरेस्ट निकालेंगे, 10% का इंटरेस्ट निकालेंगे, 11,300 यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 11,300 को प्लस करना है कितना से, 1,13,000 से, ठीक है। उधर पैसा कितना था भाई, 1,13,000। अब दोस्तों 1,13,000 को प्लस करना है 11,000 से, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,24,300। जी हाँ दोस्तों, 1,24,300 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों 1,24,300 को आपको डिवाइड करना है कितना से, एक साल का आप लोग फाइनेंस करवा रहे हैं ना, क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट निकाले हैं, तो एक साल में कितना मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साल का फाइनेंस हो रहा है और आप लोग एक साल का समझ रहे हैं, तो मैं एक साल का निकाल रहा हूँ ना, तो 1,24,300 को आप लोग डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे कितना से, 12 से, तो पर मंथ की जो ईएमआई निकल के आएगा 10,358 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा, कितना दिन तक, एक साल तक। जी हाँ दोस्तों, कितना दिन तक निकल के आएगा, 10,358 रुपया यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा एक साल तक, क्योंकि भाई आप लोग एक साल का फाइनेंस करवा रहे हैं, तो जो भाई अस्पष्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये 50,000 जमा करके यदि आप लोग एक साल का कराएंगे तो कितना आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, 10,358 रुपये यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे 6,000 में भरना है, 7,000 में भरना है, 8,000 में भरना है, तो उसके लिए आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी 80,000, 90,000 या फिर 1,00,000 इसी के लमसम में आपको जमा करना पड़ेगा, तब आपको एक साल वाला फाइनेंस में मतलब देने में मतलब दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ठीक ठाक आपका इनकम है, तो आप लोग मतलब 10,000 आपके लिए कुछ नहीं है, महीने का आप 30-40,000 रुपया महीना कमाते हैं, तो आप लोग आराम से इस स्पोर्ट बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस करवाएंगे तो आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मल हैं, बिल्कुल 10 से 12,000 महीना कमाते हैं, घर फैमिली चलाते हैं, तो भाई आपके लिए मुश्किल है ये बाइक, ठीक है। चलिए, मतलब मुश्किल नहीं है, हालांकि एक साल वाला मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट लगा आपको, यानी ब्याज लगा 11,300 और उधर प्रोसेसिंग चार्ज 3,000, तो 14,000 यहाँ पे 300 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है एक साल में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब 2 साल का समझते हैं, फिर 3 साल का समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, 1,60,000 रुपये आपने जमा किया, 50,000 बचा हुआ जो अमाउंट रह गया दोस्तों वो रह गया 1,10,000। अब दोस्तों यहाँ पे 1,10,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,13,000। 1,13,000 का दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है एक साल का, एक साल का आपने इंटरेस्ट निकाला 11,300 रुपया, 2 साल का यहाँ पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो 22,600 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 22,600 को आप लोग प्लस करेंगे कितना से प्लस करेंगे, 1,13,000 से प्लस करेंगे, तो टोटल पैसा हो जाता है, टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 1,35,300। जी हाँ दोस्तों, कितना, 1,35,300 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों 1,35,300 को आप लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई एक साल में, सॉरी 2 साल में 24 मंथ होते हैं, तो 1,35,300 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए कितना से भाई, 34 से आप लोग डिवाइड कर देंगे, सॉरी 24 से आप लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई 2 साल का मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा 5,637 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 5,637 रुपया यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा। तो 2 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, यानी इंटरेस्ट लग गया आपको यहाँ पे 22,600 और प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे आपको 3,000 ऐड करना है, तो 22 और 3 उधर हो गया 25,600 रुपया यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है 2 साल में, ठीक है, यदि आप लोग फाइनेंस करवाते हैं हॉर्नेट को। चलिए दोस्तों, अब 3 साल का समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस 1,60,000 आपने जमा किया, यहाँ पे 50,000 बचा हुआ जो अमाउंट रह गया दोस्तों वो रह गया 1,10,000। 1,10,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000, टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे 1,13,000। आप दोस्तों यहाँ पे 1,13,000 का इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का, एक साल का इंटरेस्ट कितना था 11,300 था, 2 साल का यहाँ पे दोस्तों 22,600 था, 3 साल का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 33,900। अब दोस्तों 33,900 को आप लोग प्लस करेंगे कितना से प्लस करेंगे, 1,13,000 से प्लस करेंगे, तो टोटल पैसा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों 1,46,900 टोटल पैसा हो जाता है। कितना हो जाता है, 1,46,900 टोटल पैसा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब 1,46,900 को आप लोग डिवाइड करेंगे कितना से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 3 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं और 3 साल में 36 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर मंथ की जो ईएमआई निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 4,080 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 4,080 रुपया यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा, यानी 1,46,900 को आप लोग डिवाइड करेंगे कितना से डिवाइड करेंगे भाई, 36 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको पर मंथ की जो ईएमआई निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 4,080 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लगा। तो सूद सब खाली आपको जोड़ना है, ठीक है, जो बाइक का प्राइस है भाई वो तो आपको लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 3 साल में, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए,
तो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे दोस्तों आपको एक साल में कितना लग रहा था, 13,300 रुपये लग रहा था, दो साल में आपको यहाँ पे दोस्तों 25,600 रुपये लग रहा था, और तीन साल में दोस्तों यहाँ पे आपको जैसा कि सूद लग गया इधर आपको 33,900 और उधर 3,000 प्लस कर दीजिए, तो 33 और 3 36,900, तो लगभग 37,000 के आसपास में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा तीन साल में लग रहा है। कितना लग रहा है दोस्तों, 37,000 के लमसम में, 100 रुपये कम 37,000 मानी 37,000 के लमसम में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये था दोस्तों आज का एक फाइनेंस डिटेल्स वीडियो। यदि आप लोग डाउन पेमेंट ज़्यादा करेंगे तो कम ईएमआई लगेगा और कम इंटरेस्ट भी लगेगा, तो कोशिश करें दोस्तों 50,000 नहीं अगर आपके पास पैसा है, ये तो उनके लिए है कि भाई सीमित पैसा है कि भाई 85,000 रुपया पैसा है और बाइक लेना है मतलब अर्जेंट में, तो उसके लिए ये ऑप्शन था। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।